सो यहाँ पे आज क्या करेंगे, पहले दो प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट देर आर थ्री वेक्टर्स। अभी प्रॉब्लम क्या है देखिए, देर आर थ्री वेक्टर्स, यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स हैं। थ्री वेक्टर्स आर देयर एंड हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। थ्री वेक्टर्स क्वेश्चन देखिए क्या है, थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल ए एक्ट्स एट ए पॉइंट। ओके, दीज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ठीक है। The angle between any two consecutive vector in the same plane is 60 degree. Angle between, और यहां पे क्या दिया है देखिए, angle between two consecutive vectors is 60 degree है। Then magnitude of the resultant of the three vectors हमें निकालना है, magnitude of resultant, okay? ये हमें find out करना है। Question समझ में आ रहा है क्या? देखिए, there are three vectors, each of magnitude a, and these are acting at the same point. हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन एनी एंगल, यहाँ पे एंगल भी दिया है, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स कितना है, 60 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा देखिए, डायग्राम विल बी लाइक दिस। फर्स्ट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का है, सेकंड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का है, एंड थर्ड वेक्टर भी ए मैग्नीट्यूड का ही है। और यहां पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर 60 डिग्री एंगल दिया है, तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखिए, पहले क्या करेंगे, सपोज दिस इज वेक्टर फी वन है, दिस इज वेक्टर फी टू है, एंड दिस इज वेक्टर फी थ्री है, तो फी वन एंड फी टू का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फी वन फी टू का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें क्या करेंगे, फी थ्री हमें ऐड करना है। इस तरह से हम करने वाले मलासंकी। ठीक है, काम आज मीटिंग में लीव कर। तो वंस अगेन देखिए, देयर आर थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए एक्टिंग एट ए पॉइंट, एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स इज 60 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। ओके, तो इस ये किस तरह से कैलकुलेशन आएगा देखिए, यहां पे नाउ फर्स्ट रिजल्टेंट ऑफ फी वन एंड फी टू निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फी वन बार एंड फी टू बार पहले निकालेंगे। ठीक है, सो सपोज दिस इज फी वन बार है एंड दिस इज फी टू बार है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको जनरल फॉर्मूला आपको पता है, जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देयरफॉर यहां पे रिजल्टेंट का पहले फॉर्मूला लिखता हूं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहेगा, इसमें अभी वैल्यू मैं प्लेस करूंगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, उतना ही है ए, प्लस 2a into a into cos of एंगल बिटवीन देम कितना है, 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर कितना है, 60 डिग्री एंगल है। ओके, तो यहां पे रिजल्टेंट लिखिए, रिजल्टेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ
a square plus a square, that is 2 a square plus 2 in a into a, that is 2 a square into cos 60, मतलब कितना होता है 1 by 2 होता है, cos 60 is 1 by 2, so r is equal to square root of कितना हो जाएगा 2 a square plus a square, that is square root of 3 a square, तो रिजल्टेंट आ जाएगा root 3 a, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा root 3 times a आ जाएगा, ओके इसको डिफरेंट मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से एक शॉर्टकट भी है, आपको पता है शॉर्टकट क्या है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं उनमें एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमेशा रूट थ्री टाइम्स रहता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, दो वेक्टर अगर पी पी है और दोनों में एंगल 60, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने ऑलरेडी बताए हैं, मतलब कौन से केसेस थे एक बार रिवाइज करता हूं, दो वेक्टर अगर P एंड P है, P मैग्नीट्यूड के है और उनमें एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट P ही आता है, P और P का रिजल्टेंट व्हेन एंगल 120 डिग्री P, P एंड P का रिजल्टेंट व्हेन एंगल 90 डिग्री रूट टू P, P एंड P का रिजल्टेंट व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री कितना आता है वो रूट थ्री P आता है 60 डिग्री है तो, सो इस तरह से हमने बहुत सारा पढ़ा है, सो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके ये निकालेंगे। सो ये रिजल्टेंट किसका हो गया, फी वन एंड फी टू का रिजल्टेंट हो गया। अभी फी वन एंड फी टू का जो रिजल्टेंट है वो कहां पे आ जाएगा, फी वन एंड फी टू का रिजल्टेंट इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके फी वन बार एंड फी टू बार का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, क्यों, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ये प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग पैरेलल, क्योंकि रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री ए आया है, उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए ना, अगर दो वेक्टर हमेशा इक्वल, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, ध्यान में रखिए, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पर होता है, उनका रिजल्टेंट कहां पे होता है, एंगल बाइसेक्टर पर ही होता है, मतलब यहां पे देखिए ये 4CF है और ये भी 4CF है, ओके तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा एंगल बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली इनके बीच में, इस तरह से इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तभी वो वैसा होता है, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट हमें आप मिल गया P1 एंड P2 का, वो कितना है रूट थ्री ए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, P1 P2 का एडिशन हो गया, P1 P2 का एडिशन R आ गया है, अभी R में और क्या ऐड करना है, फी थ्री ऐड करना है, रिजल्टेंट में क्या ऐड करना है, अभी फी थ्री को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए वन सेकेंड एंगल पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, R का मैग्नीट्यूड कितना है रूट थ्री ए है, फी थ्री का मैग्नीट्यूड कितना है ए है, ठीक है, उसके बाद R और फी थ्री इनमें एंगल कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो हमें आना चाहिए, मुझे बताओ एंगल बिटवीन R एंड V3, डायग्राम देख के बताओ थोड़ा सा मुझे, R और V3 में एंगल कितना है, क्योंकि वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें उन दोनों का डायरेक्शन पता होना जरूरी है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पता होना जरूरी है, अगर एंगल पता नहीं है तो हम एडिशन नहीं कर सकते, वेक्टर एडिशन 90 डिग्री आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए V1 एंड V2 के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पर आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, okay, 60 का हाफ 30, 30 एंड 60 90, मतलब R एंड V3 के बीच में, R एंड V3 के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ओके अभी देखिए, नाउ एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन आर एंड फी थ्री इज 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन आर एंड फी थ्री इज 90 डिग्री है, या फिर आर बार एंड फी थ्री बार ऐसे लिखेंगे, आर बार एंड फी थ्री बार में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इनका भी रिजल्टेंट फाइनल रिजल्ट इनका रिजल्टेंट सपोज कितना है उसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट सपोज फी है, ओके तो वंस अगेन जनरल फॉर्मूला पहले लिखता हूं, इनका रिजल्टेंट क्या है सपोज फी है, सो फी के लिए जनरल फॉर्मूला पहले लिखता हूं, P
टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, इस तरह से फॉर्मूला है ना। तो फी इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट थ्री है, उसका स्क्वायर करने पर फी ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, थ्री ए स्क्वायर एंड टू पी क्यू कॉस 90 होता है ना, इधर एंगल कितना है 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90, कॉस 90, कॉस ऑफ 90 जीरो ना, जीरो। तो ये टर्म, ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी लिखना है, पी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वन सेकेंड ऐसा लिखता हूँ, जस्ट मिनट। सो रिजल्टेंट पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट क्या है आर स्क्वायर है, सेकंड क्या है पी थ्री स्क्वायर है, प्लस टू आर पी थ्री इंटू एंगल बिटवीन आर एंड पी थ्री कॉस ऑफ थीटा। सो थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 क्या आता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ पे फी कितना जाएगा, फी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो फी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए विल बी योर फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर। समझ में आया क्या, देखिए हाँ, देयर इज वन मोर मेथड, इसको हम इतना सारा कैलकुलेशन किए बिना ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डायरेक्ट भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। वो कैसा करेंगे देखिए, वो कैसा करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, ये कितना है ए है, ये कितना है मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, पहले क्या करूंगा, इस यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये दोनों का पहले एडिशन किया है, उसमें थर्ड ऐड किया है, मतलब वन एंड टू का एडिशन करके उसमें थ्री नंबर मैंने ऐड किया है। अभी अगर मैंने ऐसा किया, फर्स्ट एंड थ्री का पहले एडिशन किया, तो आपको आंसर डायरेक्ट आता है फर्स्ट और थ्री का किया तो। ऐसा ऐसा क्यों आ जाएगा देखिए, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एंड ए है और दो वेक्टर में एंगल कितना है, कितना है 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, ए ही आता है ना डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना, ए और ए का रिजल्टेंट है एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब वन एंड थ्री का रिजल्टेंट ए आ जाएगा एंड एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा ना उनके, मतलब मिडल पर आ जाएगा, मिडल वेक्टर पर ही एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी ए प्लस ए फाइनल कितना हो जाएगा, टू ए। सो डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ये समझ में आया क्या, देखिए वन और थ्री का रिजल्टेंट आ जाएगा ए, ए और ए का रिजल्टेंट कितना आता है, ए ही आता है, कब, जब उनमें एंगल 120 डिग्री रहेगा तब, और उनका रिजल्टेंट कहां पे आ जाएगा, एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर पर आ जाएगा। ओके, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं, अभी दो वेक्टर मतलब वन एंड थ्री का रिजल्टेंट और बीच वाला वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो ए और ए का एडिशन करने के बाद क्या आता है, टू ए। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू द कैलकुलेशन। ओके, इसका और एक मेथड बताऊंगा, थर्ड मेथड आल्सो इज देयर। ओके, थर्ड मेथड भी आपको बताऊंगा, वो भी आपको आना चाहिए। ओके, सो सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज से हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, तीसरा मेथड भी हम अभी देखेंगे, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड कैसा आ जाएगा देखिए, कैन आई रीच दिस नाउ। हाँ, अभी थर्ड मेथड, अब हम इसी प्रॉब्लम का थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं। तो ये जो मेथड है इसमें क्या करेंगे, हम रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर यूज करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर क्यों करना है,
वेक्टर के एडिशन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वंस अगेन देखिए, यहाँ पे तीन वेक्टर है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, ओके, देयर आर थ्री वेक्टर्स। यहाँ पे पहले xy एक्सिस ड्रॉ करता हूँ पहले, ओके। सपोज दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड सपोज दिस इज y एक्सिस। अभी इसी पॉइंट पर क्या करूंगा, वो सभी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ओके। तो यहाँ पे सपोज ये थर्ड वाला इधर है, थर्ड फोर्स दैट इज p3, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद दिस इज सेकेंड वन p2 एंड दिस इज फर्स्ट वन, ओके p1। तो सभी वेक्टर को मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स में, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखूंगा, ओके। अभी देखिए, इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली a है, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकंड वेक्टर एंड दिस इज योर थर्ड वेक्टर, ओके। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 60 है, दिस एंगल इज 60, ओके। सो दिस एंगल इज 30 एंड देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो 30, ये टोटल एंगल 60 होना चाहिए, 30। अभी v1 के दो कंपोनेंट में निकाल सकता हूं, v1 बार लिखूंगा, कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना है, मतलब v1 बार को लिखना है, ओके। अभी v1 बार जो रहेगा, v1 बार इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ओके। एक का इस डायरेक्शन में और दूसरे वाई डायरेक्शन में, मतलब एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। तो आपको पता है थीटा के साइड में कंपोनेंट क्या रहता है, cos थीटा रहता है, एंड थीटा के अपोजिट साइड में। ये मेथड थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये मेथड बहुत यूजफुल है। बाद में आपको ऐसे कई प्रॉब्लम है जिसमें यही मेथड यूज करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। थीटा के साइड का कंपोनेंट आपको पता है हमेशा क्या रहता है, cos का कंपोनेंट रहता है, cos कंपोनेंट, ठीक है। तो v1 का इस साइड का कंपोनेंट, थीटा के साइड का कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, या फिर v1 बार यहाँ पे सेपरेट लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह से v1 बार है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री लेता हूं, तो एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड a है, यहाँ पे एंगल सपोज थीटा है, तो इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, एक का थीटा के साइड का कंपोनेंट a cos थीटा आ जाएगा, a cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, 30 डिग्री है, cos 30 कितना रहता है, √3/2 a हो जाएगा, v1 का इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा, a sin थीटा, a sin थीटा मतलब a into sin 30, a into sin 30 मतलब हाफ ना, sin 30 is half, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ a आ जाएगा, ठीक है। तो मैं v1 बार क्या लिखूंगा, अभी v1 बार इज इक्वल टू, ओके, पहले पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये कंपोनेंट पैरेलल टू x एक्सिस, √3/2 a i क्या, ओके, एंड पैरेलल टू y एक्सिस मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है मतलब क्या लिखना है मुझे, -1/2 j क्या, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो इस तरह से मैंने v1 बार को लिखा है, दिस इज योर v1 बार। v1 बार कैसे लिखा है समझ में आ गया क्या, देखिए v1 बार के मैंने दो कंपोनेंट निकाले हैं, ओके, दो कंपोनेंट मैंने यहां पे निकाले हैं v1 बार के, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और वेक्टर फॉर्म में मैंने ये लिखा है यहां पे। तो दूसरा वेक्टर जो है इस तरह से है, p2 बार है, तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे अगर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे भी 30 एंगल आ जाएगा, दिस इज 30 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos 30 आ जाएगा, एंड a कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a sin 30, मतलब v2 बार को क्या लिखूंगा मैं, v2 बार इज इक्वल टू a cos 30 मतलब √3/2 a i क्या लिखूंगा,
एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन ना सेकंड कंपोनेंट ए साइन 30, ए साइन 30 मतलब ए बाई टू आ जाएगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस जे क्या करना पड़ेगा, a by 2 will be second component, it is in y direction, that is p2 bar. अभी क्या करूंगा, तीसरा वेक्टर p3 bar लिखूंगा. अभी p3 bar जो है उसका मैग्नीट्यूड a है एंड डायरेक्शन ओनली अलोंग y एक्सिस है, तो a j क्या की लिख सकता हूं p3 bar को. इस तरह से मैंने तीनों वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं. अभी तीनों का रिजल्टेंट r बार मतलब क्या हो जाएगा, v1 बार प्लस v2 बार प्लस v3 बार हो जाएगा तीनों का रिजल्टेंट. तो v1 बार क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक के नीचे एक लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, 3/2 a i कैप माइनस 1/2 j कैप. सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, उसमें क्या ऐड करना है, सेकंड वेक्टर ऐड करना है, √3/2 a i cap plus 1/2 a j cap लिखना है ना, 1/2 a लिखना भूल गया मैं, a j cap और यहां पे प्लस 1/2 a j cap है एंड बाद में उसमें p3 भी ऐड करना है. p3 मतलब ओनली a j cap में, i cap कुछ नहीं है, मतलब 0 i cap प्लस a j cap. इन तीनों का मैंने अगर एडिशन किया तो एडिशन क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस √3/2, √3/2 a प्लस √3/2 a मतलब क्या आ जाएगा, √3 a आ जाएगा. √3 मतलब r इज इक्वल टू √3 a i क्या, √3 √3/2 a प्लस √3/2 a मतलब √3 a आ जाएगा i क्या, एंड माइनस हाफ a प्लस हाफ a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड a j cap ओनली बचेगा प्लस a j cap. ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं. इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर का √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √3 a का स्क्वायर √3 a स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर √3 a इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर होगा एंड उसके बाद a स्क्वायर. सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर. सो r इज इक्वल टू 2a. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आल्सो आंसर इज 2a होंगे. यहां पे क्या किया है, सभी वेक्टर का कंपोनेंट निकाला है और ij के फॉर्म में सभी वेक्टर मैंने लिखे हैं और ij के फॉर्म में लिखने के बाद उनका एडिशन किया है. ये प्रॉब्लम फिर एक बार बताता हूं तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा. वन सेकेंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम. वन सेकेंड देखिए, एक ही पॉइंट पे तीन वेक्टर है. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर एंड सपोज दिस इज थर्ड वेक्टर. v1 बार इसको बोलता हूं, इसको v2 बार बोलता हूं, इसको v3 बार बोलता हूं, ठीक है. तो पहले यहां पे एंगल्स कैसा, सपोज दिस इज x एक्सिस है एंड दिस इज सपोज y एक्सिस है. तो v1 बार जो वेक्टर है वो इस तरह से वेक्टर है, v1 बार करेक्ट है ना, v1 बार इस तरह से वेक्टर है एंड विथ ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, मतलब यहां पे एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब विथ हॉरिजॉन्टल ये एंगल कितना करेगा, 30 डिग्री एंगल करेगा. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर a है, इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos 30 आ जाएगा और इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a sin 30 आ जाएगा. a cos 30 मतलब √3/2 a आ जाएगा, ठीक है. a sin 30 मतलब a by 2 आ जाएगा. अभी v1 बार को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन कंपोनेंट कितना है, √3/2 a है i कैप, अलोंग x डायरेक्शन है इसे i कैप लिखूंगा. अलोंग y डायरेक्शन, अभी
पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हम से क्या लिखते हैं, ये जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए बाई टू, ये क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है, पी टू बार है, पी टू बार। ठीक है, तो यहां पे एंगल 30 डिग्री है, मतलब यहां पे मैंने अगर एंगल निकालना है, यहां पे जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल यहां पे रहेगा, तो यहां पे क्या करता हूं मैं 30 डिग्री एंगल लेता हूं, 30 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेक्टर इज 60, यहां पे टोटल एंगल 60 है, मतलब ऊपर 30 नीचे 30, मतलब यहां पे 30, अगर यहां पे 30 है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है तो यहां पे 30 डिग्री के साइड का कंपोनेंट ए cos 30 बनेगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन 30 बनेगा। ए cos 30 मतलब वंस अगेन रूट 3 बाय 2 टाइम्स ए एंड ए साइन 30 मतलब ए बाय 2, साइन 30 इज 1 बाय 2। तो फिर टू बार क्या लिखूंगा, फिर टू बार इज इक्वल टू अलोंग एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है रूट 3 बाय 2 ए आई कैप है, उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है वर्टिकल है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ए बाय 2 है, तो प्लस ए बाय 2 जे क्या लिखूंगा। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर हो गया, थर्ड वेक्टर जो है पी थ्री बार किस डायरेक्शन में है, ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन है पी थ्री बार। ओके, तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी ए है ना, मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जे कैप। सो इन दिस वे यू विल गेट थ्री वेक्टर्स, पी वन बार, पी टू बार एंड पी थ्री बार। अभी रिजल्टेंट मतलब क्या है, आर बार इज इक्वल टू पी वन बार प्लस पी टू बार प्लस पी थ्री बार है, पी वन बार प्लस पी टू बार प्लस पी थ्री बार है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू पी वन बार प्लस पी टू बार हमने पहले किया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू जे कैप कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रूट थ्री बाई टू ए आई कैप, रूट थ्री बाई टू ए आई कैप इनका एडिशन करने पर रूट थ्री ए आई कैप बनेगा। ठीक है, जे कैप तो कैंसिल ही हो रहा है, आई कैप का ओनली एडिशन होगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो जे जे कैंसिल। ओके, आई कैप दोनों प्लस प्लस है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा रूट थ्री बाई टू ए आई कैप, रूट थ्री बाई टू ए आई कैप मतलब टोटल रूट थ्री ए आई कैप। ओके, प्लस पी थ्री में क्या है, ओनली जे कंपोनेंट है, सो ए जे कैप इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट आ गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर मतलब रूट थ्री ए का स्क्वायर दैट इज थ्री ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब जस्ट ए स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा ये, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर। So resultant is equal to 2a. Resultant 2a बन जाएगा। अगर कोई अभी भी कोई डाउट है तो क्या कीजिए आप, वंस अगेन ये जो अब वीडियो जब अपलोड किया जाएगा वो रिपीटेडली देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो एनी डाउट इन दिस केस, अभी कुछ डाउट है क्या, बोलिए। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे ले लेंगे, जैसे दिया है वैसा ही लेना पड़ेगा, जैसे वेक्टर दिया है वैसा ही वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। ओके, कैसे भी करो तो will be the answer. ठीक है,
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म मतलब रिजोल्यूशन करके एडिशन कर सकते हैं। ओके, रिजोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ओनली डिवाइड करना है। एक कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, कॉस थीटा का रहता है, दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा का रहता है, इतना ही ओनली करना है। ओके, तो कॉस थीटा का कंपोनेंट अगर अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है तो ए कॉस थीटा आई कैप लिखेंगे, और साइन थीटा का कंपोनेंट सपोज अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है तो ए साइन थीटा जे कैप लिखेंगे, इतना ही ओनली है। ओके, अभी क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का और एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक ही बॉडी पर थ्री वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। वंस अगेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, सो फर्स्ट फोर्स इज ऑफ वन न्यूटन, इट इज एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। सेकेंड फोर्स जो है वो 4 न्यूटन का है, इट इज 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस है, 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। एंड यहां पे और एक है थर्ड फोर्स, दैट इज ऑफ 2 न्यूटन। ओके, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 4 न्यूटन। ओके, 4 न्यूटन मतलब यहां पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां पे क्या करना है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशनल फोर्स नीडेड टू हैव रिजल्टेंट अलोंग ओनली वाई डायरेक्शन। यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू हैव resultant only along y direction। मतलब यहां पे क्या दिया है, तीन forces already दिया है, 4 newton, 1 newton and 2 newton। तो इसमें और कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें और कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट रिजल्टेंट ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, सो दैट यू विल गेट रिजल्टेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट आने के लिए और कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले एडिशन करना पड़ेगा वेक्टर का, मतलब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं एज्यूम करता हूं, सपोज This is F1 है, F1 bar है, okay? Suppose this is F1 bar, this is F2 bar, and suppose this is F3 bar, F3 bar, ठीक है? अभी तीनों वेक्टर को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कंपोनेंट्स में लिखना है, IJ के फॉर्म में लिखना है, okay? तो 4 न्यूटन का सपोज हमें कंपोनेंट निकालना है, तो दो कंपोनेंट क्या रहेगा, एक रहेगा 4 cos 30, दूसरा 4 sin 30, क्योंकि 4 का एक एंगल हमें 30 डिग्री ही दिख रहा है। 1 न्यूटन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 1 cos 60 एंड 1 sin 60 ना, उतना ही है। एंड 2 न्यूटन का दो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 2 cos 30, क्योंकि 2 दिख रहा है आपको 2 न्यूटन और 30 डिग्री एंगल दिख रहा है ना आपको, तो 2 cos 30 एंड 2 sin 30 हो गया। इसी तरह से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और कौन से डायरेक्शन में है ये देख के आपको क्या करना है, आई जे के मतलब आई या फिर जे ये लिखना है। सो वंस अगेन देखिए, 4 न्यूटन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, 4 cos 30, 4 sin 30। 1 न्यूटन के दो कंपोनेंट क्या रहेंगे, 1 cos 60, 1 sin 60। सिमिलरली 2 न्यूटन के दो कंपोनेंट क्या रहेंगे, 2 cos 30 वाला यानी 2 sin 30 वाला। ठीक है, अभी कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है वो देख के हम क्या करेंगे, वहां पे आई या फिर जे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले F1 बार से हम स्टार्ट करते हैं, F1 बार, यहाँ पे F1 बार सेक्रेटली ड्रॉ करता हूँ, ये F1 बार है आपका,
एफ वन बार है, करेक्ट है ना, एफ वन बार. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एंगल यहां पे है. ओके तो अभी बताओ एफ वन मतलब कितना है, फोर है. तो मुझे बताओ 4 cos 30 किस डायरेक्शन में आ जाएगा एंड 4 sin 30 किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये पहले मुझे बताओ. 4 cos 30 किस डायरेक्शन में आ जाएगा, कैन यू टेल मी अलोंग विच एक्सिस. 4 मतलब जहां जिस डायरेक्शन में एंगल है उस डायरेक्शन में ही कंपाउंड आ जाएगा ना. ओके एंगल जिस साइड में है उसी, मतलब जिस साइड का एंगल रहता है उस साइड का कंपोनेंट कॉस रहता है, ये ध्यान में आपको रखना है. सो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब यहां पे लिखता हूं 4 cos 30 जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कौन से डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन में आ जाएगा. जे कैप वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाई ना, जे कैप. एंड उसके बाद ये यहां का हो गया 4 cos 30, तो दूसरा कंपाउंड क्या आ जाएगा फिर, 4 sin 30 आ जाएगा. अभी बताओ 4 sin 30 कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, 4 sin 30 बताओ कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, 4 sin 30 प्लस आई कैप या फिर माइनस आई कैप. 4 sin 30 माइनस आई कैप, करेक्ट. ठीक है तो हो गया आपका. सो F1 बार अभी मैं लिखूंगा माइनस आई कैप है ना, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू हाफ रहता है. साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, 4 इंटू हाफ मतलब 2, सो माइनस 2 आई कैप. माइनस ये यहाँ पे माइनस आई कैप का माइनस आगे लिखा, 4 साइन 30 2 आई कैप. ठीक है उसके बाद 4 कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 रहता है. कॉस 30 का वैल्यू कितना रहता है, रूट 3/2, सो 4 इंटू रूट 3/2 दिया तो 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 2 बनेगा, 2 रूट 3 बचेगा ना, सो प्लस 2 रूट 3 जे क्या. सो इस तरह से मैंने एफ वन बार लिखा है, समझ में आया कि देखिए एफ वन बार को इस तरह से लिखना है. ओके समझ में आया कि देखिए. हाँ अभी एफ टू बार को ड्रॉ करता हूं. एफ टू बार ऐसा है, एफ टू बार इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. एंगल कहां पे है, एंगल यहां पे है, यहां पे 60. तो इसके कंपोनेंट एक हो जाएगा 1 cos 60 एंड दूसरा 1 sin 60 होगा. अभी आपको मुझे बताना है कि 1 cos 60 कौन से डायरेक्शन में आने वाला है. 1 cos 60 कौन से डायरेक्शन में, आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा. ओके एंड 1 sin 60 ऐसा है तो एक इधर कंपाउंड आ जाएगा, एक इधर कंपाउंड आ जाएगा, उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा जी क्या. तो हो गया cos 60, 1 into cos 60 मतलब cos 60 का वैल्यू कितना रहता है, हाफ. So, F2 बार को लिखूंगा मैं, F2 बार इज इक्वल टू cos 60 मतलब रूट 3/2 i कैप. ठीक है एंड प्लस j कैप डायरेक्शन में कितना है, sin 60. sin 60 मतलब सॉरी cos 60 इज हाफ, सॉरी cos 60 कितना रहता है, हाफ. एंड sin 60 मतलब रूट 3/2 रहता है, रूट 3/2 j कैप. ठीक सो दिस इज योर एफ टू बार. ओके एफ टू बार समझ में आ गया, एफ टू बार. ओके ठीक है अभी एफ थ्री बार, एफ थ्री बार का डायग्राम निकालता हूं. यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ऊपर वाई एक्सिस है एंड थर्ड वेक्टर इज लाइक दिस. एफ थ्री बार कितने मैग्नीट्यूड का है, 2 न्यूटन का है. ये एंगल कहां पे है, यहाँ पे 30 डिग्री. ठीक है अभी इसके दो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, एक होगा 2 cos 30 दूसरा 2 sin 30. ओके ठीक है ना, 2 cos 30 वाला एक कंपोनेंट रहेगा एंड 2 sin 30 वाला एक कंपोनेंट रहेगा. ओके
टू कॉस 30 वाला कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अभी मुझे बताइए। टू कॉस 30 वाला कंपोनेंट बताओ, टू कॉस 30 वाला कंपोनेंट प्लस माइनस सब कुछ बताइए, क्योंकि रिजल्टेंट ऐसा है, मतलब एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, 30 डिग्री के साइड, मतलब जहां जिस साइड को एंगल रहता है उस साइड कॉस रहता है, मतलब 2 cos 30 मतलब ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये y डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट टू y डायरेक्शन है, अपोजिट टू y है, तो यहां पे ये माइनस टेक क्या डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड दूसरा कंपोनेंट 2 sin 30 वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ करेक्ट, दैट इज i कैप। तो यहां पे अभी f3 बार लिखूंगा, f3 बार इज इक्वल टू I cap पे लिखूंगा, that is 2 sin 30, sin 30 मतलब half, half into 2 मतलब 1 I cap minus, क्योंकि j cap minus है ना, minus 2 cos 30, cos 30 is root 3 by 2, root 3 by 2 into 2 मतलब 2 2 cancel हो जाएगा, root 3 only बचेगा, j cap, so this is your third vector। इस तरह से मैंने तीनों vector यहाँ पे लिखे हैं। अभी तीनों वेक्टर का मैं एडिशन करूंगा, डायरेक्ट एडिशन करके मुझे आपको अभी बताना है। रिजल्टेंट आर बार इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कैसे निकलना है, अगर आई जे के फॉर्म में सभी वेक्टर अवेलेबल है तो आई का सभी एडिशन कीजिए, जे का सभी एडिशन कीजिए, के है तो के का भी सब एडिशन करना है। तो यहां पे माइनस टू आई कैप, हाफ आई कैप, हाफ मतलब क्या करता हूं, तो यहां पे माइनस टू आई, मतलब यहां पे माइनस टू आई की जगह क्या क्या लिखे, माइनस टू है, उसके बाद हाफ मतलब प्लस 0.5 लिखता हूं, और उसके बाद प्लस 1 लिखता हूं, ये सब कुछ आई कैप विद आई कैप है, तो 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, और 1.5 एंड माइनस 2 मतलब i cap का एडिशन कितना आता है, i cap का ओनली दैट इज माइनस 0.5 i cap आ जाएगा, करेक्ट है ना, 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 एंड 1.5 एंड माइनस 2 मतलब माइनस 0.5 i cap, ठीक है। उसके बाद j j j का एडिशन, यहां पे 2 रूट 3, रूट 3 बाय 2 j एंड रूट 3 मतलब यहाँ पे अगर रूट थ्री जे कैप कॉमन निकाला, रूट थ्री जे कैप कॉमन निकाला, तो यहाँ पे प्लस टू है उसके बाद यहाँ पे 1/2 है मतलब 0.5 है, एंड यहाँ पे रूट थ्री मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5, 2.5 माइनस 1 मतलब कितना, 1.5 बचेगा, so plus 1.5 root 3 j cap, so this will be your resultant, इतना resultant आ जाएगा, r bar is equal to minus 0.5 i cap plus 1.5 root 3 j cap, correct है ना, क्योंकि j j j का addition कीजिए ना, root 3 निकालो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, 1/2 मतलब 0.5, 2 plus 0.5 मतलब 2.5, and 2.5 से minus 1 करना है मुझे, तो 1.5 and root 3 as it is, okay? So decimal में लिखना ऐसा कुछ compulsion नहीं है, decimal में लिखना ऐसा कुछ compulsion नहीं है। अभी question में क्या पूछा है देखिए, question मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड, क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू हैव द रिजल्टेंट ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, इसमें और एक फोर्स मुझे ऐड करना है, मतलब तीनों में और एक फोर्स ऐड करना है, सो दैट आई विल गेट रिजल्टेंट ओनली इन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन का ओनली कंपोनेंट रहना चाहिए, आई डायरेक्शन का नहीं रहना चाहिए। तो आप आंसर देख के, आप मतलब आर बार को देख के आपको बता सकते हैं क्या, यहाँ पे आर बार लिखता हूँ वंस अगेन, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे आर बार लिखता हूँ, यहाँ पे दिखाई देता है कि देखिए आर बार कितना है,
दैट इज माइनस 0.5 आई कैप प्लस 1.5 रूट 3 जे कैप, ये आपका रिजल्टेंट है। ओके तो यहां पे और कितना फोर्स मुझे ऐड करना पड़ेगा सो दैट वी विल हैव रिजल्टेंट ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब जे कैप ओनली रहना चाहिए आई कैप नहीं रहना चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? करेक्ट 0.5 आई कैप मुझे ऐड करना पड़ेगा, 0.5 आई कैप मतलब x along x direction 0.5 न्यूटन का फोर्स मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा? The force will act only in y direction. That is your answer. So इसका आंसर क्या आ जाएगा? Minimum force required is 0.5 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5 न्यूटन। ओके 0.5 न्यूटन will be the answer. To have the component only along y direction. अभी इस प्रॉब्लम को और थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक स्टेप इसमें एक कैलकुलेशन हम, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम करके ये नीट का प्रॉब्लम होता है, नीट और मेंस दोनों का प्रॉब्लम होता है, इतना सारा कैलकुलेशन है तो जनरली मेंस का प्रॉब्लम रहेगा। ओके अभी इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सो दैट कैलकुलेशन विल बिकम लेस, कैलकुलेशन कम करने के लिए यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 4 न्यूटन और 2 न्यूटन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये भी कर सकते हैं, मैंने पर्पसफुली आपको डिटेल में बताया, क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ओके मतलब कंप्लीट स्टेप्स कैसे रहते हैं या फिर उसके सभी कंसेप्ट क्या रहते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसमें रिड्यूस कैसे करना है, स्टेप्स कैसे कम करना है, कैलकुलेशन कैसे कम करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए 4 न्यूटन 2 न्यूटन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दो फोर्सेस एग्जैक्टली अपोजिट में है, दो फोर्सेस एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो लार्जर फोर्स है वो स्मॉलर फोर्स को कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट करेगा मतलब यहाँ पे दो ही फोर्स बचेंगे, एक 2 न्यूटन का कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे ओनली 2 न्यूटन बचेगा, बिकॉज 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ऐसे किया तो क्या हो जाएगा आपका? दो ही वैक्टर बचेगा, दो ही वैक्टर का कंपोनेंट निकलो और एडिशन करो, तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि मतलब यहाँ पे अगर वाई डायरेक्शन पे ही मुझे फोर्स चाहिए ऐसा बोला तो यही मेथड यूज करना पड़ेगा, दूसरा मेथड यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ओके देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल करना है, थोड़ा कम स्टेप वाला करना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें डायग्राम देखने के बाद ही ये पता चलता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स है, करेक्ट ना? सपोज ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स है एंड इस डायरेक्शन में सपोज 2 न्यूटन फोर्स है, अगर दो फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तो लार्जर फोर्स स्मॉलर फोर्स को क्या करता है? कैंसिल आउट करता है, तो 4 माइनस 2 मतलब कितना बचेगा? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में कितना बचेगा? 2 न्यूटन बचेगा ना, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस का प्रॉब्लम 2 फोर्सेस का हो गया, 2 फोर्सेस का प्रॉब्लम मतलब स्टेप कम हो गया आपके, तीन वेक्टर का एडिशन नहीं करना पड़ेगा, दो वेक्टर का ओनली रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का ओनली एडिशन करना पड़ेगा। अगर एंगल डिफरेंट है तो सभी का फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंगल डिफरेंट है तो, एंगल अगर डिफरेंट है तो आपको सभी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके So, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिए क्योंकि ये मेथड जो है रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर एंड एडिशन ऑफ फैक्टर आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, ठीक है, मतलब आईजे के फॉर्म में वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा कोई भी दिया हुआ वेक्टर और उसके बाद उसका एडिशन करना आना चाहिए। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये आपको नहीं आता तो बाकी के चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ सकता है, बिकॉज ये रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर एंड एडिशन ऑफ फैक्टर्स ये जो कंसेप्ट है
वो आपको सभी चैप्टर्स में आपको ये यूजफुल है. इट इज नॉट यूजफुल ओनली इन दिस टॉपिक. दिस इज यूजफुल इन मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, दिस इज यूजफुल इन लॉज ऑफ मोशन. उसके बाद ये दिस इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे टॉपिक फिजिक्स में है जिसमें आपको ये सब कुछ लगने वाला है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चैप्टर इतनी बार रिपीट करना है कि आपको कोई भी यहाँ पे अगर कंसेप्ट आता है तो इस टाइप का कंसेप्ट का आपको प्रॉब्लम आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटी का हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है, एडिशन करना है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है दैट इज टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना और उसके बाद एडिशन करना. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा तो सजेशन ये है कि आज जो हमने पढ़ा है उसका वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिए. ठीक है, और उसका कंसेप्ट ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए. सो दिस इज योर फंडामेंटल, दिस इज योर बेस. इफ योर बेस इज वीक देन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए टॉल बिल्डिंग. ओके, सो देयरफॉर सो डू दैट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल बी द बायो लेक्चर एज यू नो.